भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, आज मैं आप लोगों को जेम पोर्टल पे एक नया कैटलॉग कैसे प्रॉपर वे से अपलोड करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जनरली कैसा होता है, जेम पोर्टल में आप कैटलॉग अपलोड करते हैं और आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए प्रॉपर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जब भी आप कोई भी नया पोर्टल कैटलॉग जेम पे वो एज ए प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो आपको नया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहला कैटलॉग, यदि आपको बिल्कुल नहीं पता नया कैटलॉग कैसे बनाते हैं तो आप ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैटलॉग में जाने का प्रोडक्ट एड न्यू ऑफरिंग, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए डिजिटल सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लिक करता हूँ। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट आपको ना मिले, उसके लिए रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल है, वहाँ से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर वो कैटलॉग आपको यहाँ पे शो हो सकता है। वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे, या फिर पूरे जेम में हर तरीके का कैटलॉग अलग अलग तरीके से क्लोन कैसे करते हैं, पेयर कैसे करते हैं, इसके रिगार्डिंग हमारे पास पूरे बायर्स एंड सेलर दोनों पार्ट L1 कैसे करते हैं, पूरे के पूरे हमारे पास ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है। आप चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको पूरा डिटेल्स के बारे में हमारे लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों साइड में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं नया कैटलॉग कैसे बनाएंगे। नए कैटलॉग के लिए आप यहाँ पे सर्च कर देंगे, जैसे ही सर्च करेंगे आपको आपको यहाँ पे आपके कैटेगरी दिख जाएगा। आपको ब्रांड या OEM चूज करना है, जो भी आपके ब्रांड से, बहुत सारे में अनब्रांड्स भी मिलेंगे। यदि आपको अनब्रांड है तो अनब्रांड भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अनब्रांड डाल सकता हूँ या फिर जो भी कंपनी का वो डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, कौन सा, मैं यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ। टोकन, मैं इसके डिटेल्स मैंने चूज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रोसीड विथ न्यू आइटम। यदि मुझे बिल्कुल नया कैटलॉग चाहिए, मॉडल्स, प्रोडक्ट का नाम, स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है। वीडियो URL मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो आप डाल सकते हो। पेज के URL मैंडेटरी नहीं, कोई बीड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसलिए आप बीड का नंबर डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, छोड़ देता हूं मैं। यहाँ पे आते हैं ऑथराइजेशन नंबर्स, तो आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर डालना है, एजेंसी, डेट, कब से कब तक का आपका ऑथराइजेशन का वैलिडिटी है, कंट्री ऑरिजिन, मल्टीपल कंट्री ओरिजिन डाल सकते हैं। यहाँ पे आते हैं MRP डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस। देखिए यहाँ पे MRP के रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा नया कैटलॉग बनाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ MRP के रिगार्डिंग। नया कैटलॉग बना रहे हैं एज ए सेलर, तो आपको MRP के रिगार्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा। क्या आपको लगेगा, तो देखिए यहाँ पे फोटो ऑफ पैकेज शोइंग MRP विथ एनी रिलेवेंट डिटेल्स विजुअल। क्या होना चाहिए आपके पास, क्वांटिटी, आपके पास कोई कैटलॉग्स होने चाहिए जहाँ पे उसकी क्वांटिटी, मास, नंबर ऑफ पीसेस, मॉडल नंबर, ब्रांड एंड कंपनी का नाम सब डिस्प्ले होना चाहिए। यदि आप एज ए रीसेलर यहाँ पे है, तो यदि आप एज ए OEM है तो आपके लिए भी सेम चीजें आपके लिए लगता है। अदरवाइज आपके पास कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर कॉपीज हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें भी क्वांटिटी, मॉडल नंबर, ब्रांड ये सभी आना चाहिए और ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। GST का इन्वॉइस भी चलेगा, यदि आपको कोई GST का इन्वॉइस है तो वहाँ पर भी मॉडल नंबर, ब्रांड का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपको ये GST इन्वॉइस के डॉक्यूमेंट्स भी चलेंगे। कोई इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे MRP डिटेल्स है बट नॉट मोर देन 6 महीने के लिए,
एमआरपी डिक्लेरेशन ऑन ओएम लेटर हेड। यदि ओएम आपको अपने लेटर हेड पे भी लिख के देता है कि ये इसका ये प्राइस है, ये मॉडल का और ये ब्रांड है, तो भी आपका चल जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। यदि आपके पास मोर देन वन है तो वेल एंड गुड, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चूज करना है क्या है, प्रोडक्ट ब्राउचर है, मैंने अभी सब के बारे में आपको बताया, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट ब्राउचर है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ब्राउचर है मेरे पास, यहाँ पे आपके पास सब डिटेल्स होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्ट ब्राउचर यदि कर रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी, मास, नंबर ऑफ पीसेस, मॉडल नंबर और ब्रांड और कंपनी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ये सभी पूरे डिटेल्स आपके यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। ये तो आपके रिजेक्ट के चांसेस नहीं होंगे कभी भी। ऑफर क्वांटिटी, क्या आपके रेट्स हैं, एमआरपी कितना है इसका, कहाँ पे सप्लाई करेंगे, करंट स्टॉक, मिनिमम क्वांटिटी, डायरेक्ट परचेज के लिए टाइम कितना लगेगा, रेड सेव, इसको हम लोग सेव करेंगे। अभी आगे के डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, यहाँ पे आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखो ये आपको स्पेसिफिकेशन भरना है, स्पेसिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड करके आपको बताया है, कैटलॉग डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस, जो हम लोग यहाँ पे हैं ये कैटलॉग डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइंस। यहाँ पे आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकेशन सीट या डेटा, डेटा सीट हैविंग डिटेल्स। तो इसमें क्या होगा, ऑफ द प्रोडक्ट मॉडल प्रोवाइड बाय ओएम, प्रोडक्ट का मॉडल जो ओएम आपको प्रोवाइड करता है, या बीआईएस सर्टिफिकेट या लाइसेंस इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ओएम का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स, यदि आपको ओएम ऑथराइजेशन करके देता है जो आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हो और इसके स्पेसिफिकेशन ये है तो वो भी चलेगा, जो रीसेलर सर्टिफिकेट बोलते हो आप लोग। जीएसटी इनवॉइस, जहाँ पे साइज शोइंग पैक साइज जो है और मॉडल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेट बहुत जगह पे नहीं चल रहा, जैसे कि एफएसआई या लाइसेंस है, ये फूड प्रोडक्ट को चलेगा, तो जिसके लिए जो लाइसेंस के है उसके लिए वो प्रोडक्ट के लिए वो डॉक्यूमेंट्स चल जाएगा, या एनी अदर डॉक्यूमेंट, जिससे ये पता चले इस प्रोडक्ट का ये जो आप स्पेसिफिकेशन ऊपर का डाल रहे हैं, मॉडल डाल रहे हैं, ये प्रॉपर है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट यदि है तो भी आपका यहाँ पे चल जाता है। इसके बाद हम लोग का पार्ट आता है लास्ट वाला, अपलोड इमेज। तो इमेज के लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, आप चाहो तो आप इमेज का हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो प्रॉपर वे से इमेज कैसे अपलोड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका प्रोडक्ट इमेज के वजह से रिजेक्ट हो जाए। आप यहाँ पर भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए नोटिफाइड आता है, जो आपके डॉक्यूमेंट यदि कुछ रिजेक्ट हो गए तो उसके लिए इस तरीके से आपको नोटिफाइड मिलता है। वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो आपको मिलना है कैटलॉग में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है और आपको डालना है सर्च माय ऑफरिंग। यहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफाइड प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट पब्लिश हो गया तो पब्लिश में आएगा, एडमिन क्लेयर्स में वेटिंग रहेगा तो आपको एडमिन क्लेयर्स में दिखेगा, और नोटिफाइड प्रोडक्ट यदि आपका प्रोडक्ट में रिजेक्शंस हुए तो आपको नोटिफाइड मिलेगा, पब्लिश हो गया प्रॉपर वे से तो पब्लिश में चला जाएगा। तो यहाँ पे रिजेक्शन का रीजन देता है, आप यहाँ से देख सकते हैं 100 रीजन क्या इसलिए रिजेक्ट हुआ। तो देखिए आप अदर्स, मैक्सिमम जो इमेज यहाँ पे अपलोड होता है वो है इमेज के वजह से, इसलिए इमेज के ऊपर हमने अलग से वीडियो डाला है प्रॉपर वे से इमेज कैसे अपलोड, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट डालते हो तो उसका स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट प्रॉपर इमेज कैसा होना चाहिए, क्या साइज का होना चाहिए, पूरे डिटेल्स के लिए हमने वीडियो बनाया, और मॉडल नंबर कुड नॉट बी फाउंड, ऐसे दो एरर्स बताए, तो आपको इसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको जो चेंज करना है तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन से एक्शन में एडिट पे आपको जाना है। और आपका जहाँ पे है जैसे कि इमेज के रिगार्डिंग अपलोड हुआ है तो इमेज पे आप जाना है और यहाँ पे नया इमेज आपको डालना है। देखिए यहाँ पे बताया अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आपने इमेज गलत डाला है बोलना है, तो आप यहाँ से चूज करके आप नया इमेज डाल सकते हैं फिर से। और यदि आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स है तो आप भी वहाँ से भी चीज देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स गलत है यहाँ से व्यू कर सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट्स आई थिंक ओके है, इसलिए इस पे एरर नहीं आया है। कैटलॉग इन्फॉर्मेशन पे देखते हैं, ये भी प्रॉपर है। ऑफर एंड क्वांटिटी पे इसके डॉक्यूमेंट्स में एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पर भी कुछ एरर्स नहीं है, तो मेनली इमेज की वजह से रिजेक्ट हुआ, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ पर भी सो रीजन करेंगे तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है, जिसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा। मैक्सिमम अपलोड होने के रिजेक्ट होने के रिजेंसेज इमेज पे, जिसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज पूरा एकदम परफेक्ट आपको जानना है जेम पोर्टल के बारे में, उनके एरर्स क्या आते हैं, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप चाहते तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।